नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय कुमार स्वागत करता हूं आप सभी का क्लास टेंथ के फिजिक्स के सेशन में। तो इस सेशन में हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी का फर्स्ट वीडियो देख लिए थे, तो उससे आगे का ये है। तो आज इलेक्ट्रिसिटी में हम आगे ओम्स लॉ, उसके बाद ओम्स लॉ से जो फॉर्मूला है जो न्यूमेरिकल्स है, उसके बाद रेसिस्टिविटी के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, करंट के बारे में जानेंगे, वोल्टेज के बारे में, सब के बीच में जो रिलेशन होता है उसे हम जानेंगे। तो स्टार्ट करते हैं ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ होता क्या है? तो ओम्स लॉ एक ऐसा लॉ है जो हमें रिलेशनशिप बताता है करेंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में। तो करेंट जिसे हम आई से शो करते हैं, सिंबल आई से, और पोटेंशियल डिफरेंस जिसे भी से, तो इसके बीच में रिलेशनशिप हमें बताएगा कौन? तो ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ कहता क्या है? तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर द करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स एंड। यानी कि अगर टेम्परेचर को हम कॉन्स्टेंट रखें तो किसी भी कंडक्टर से जो करेंट फ्लो हो रहा है वो पोटेंशियल डिफरेंस, जो दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। कौन? तो करंट, जब हमें टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना है। यानी कि यदि आई करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर से, तो वी जो पोटेंशियल डिफरेंस या फिर जिसे हम वोल्टेज कहते हैं, वो दो एंड के क्रॉस जो होगा वो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ क्या कहेगा कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी। यानी आई जो है वो वी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यहां दिख रहा है आपको, जब टेम्परेचर जो है वो कांस्टेंट, यानी टी जो है उसे हमें कांस्टेंट रखना है, टी को कांस्टेंट रखना है, तो आई जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा वी का। और इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और होगा क्या कि वी इज इक्वल्स टू आर आई। तो यहां पे आर एक आया कांस्टेंट जिसे हम रेजिस्टेंस के नाम से जानते हैं। तो आर कांस्टेंट आया तो हमारा जो प्रोपोर्शनलिटी का साइन था वो हट गया, तो वी इज इक्वल्स टू क्या हो गया? तो वी इज इक्वल्स टू हो गया आर इंटू आई। और अगर हमें आर पूछे, यानी ये रेजिस्टेंस के बारे में पूछे कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं आर इज इक्वल्स टू वी वाई आई। यानी कि जहां V हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज हम कहते हैं, I जो है करंट और R जो है वो रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का। तो वैल्यू जो है इस कांस्टेंट का वो डिपेंड करेगा नेचर पर, मतलब किस चीज से वो कंडक्टर बना हुआ है उसके नेचर पे डिपेंड करेगा। उसके बाद ये डिपेंड करेगा उसके लेंथ पे, मतलब वो जो कंडक्टर है उसका लेंथ कितना है। उसके बाद क्रॉस सेक्शनल एरिया, मतलब उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना है, मतलब वो मोटा है या फिर पतला है। और फिर उस कंडक्टर का टेम्परेचर कितना है उस पर डिपेंड करेगा ये आर का वैल्यू। तो ऊपर का इक्वेशन को हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जहां हमारा वी बाई आई इक्वल्स टू आर हो गया, वी पोटेंशियल डिफरेंस, आई करेंट, और आर जो है वो रेजिस्टेंस जो कि कॉन्स्टेंट होता है। तो यहां से हमें क्या पता चला मैथमेटिकल एक्सप्रेशन ओम्स लॉ का, कि अगर हम इसे देखें कि पोटेंशियल डिफरेंस बाई अगर हम करंट करते हैं तो ये कांस्टेंट के इक्वल आता है जो कि रेजिस्टेंस होता है। यानी कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस को जैसे जैसे चेंज करेंगे, मतलब अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम इंक्रीज करते हैं, तो हमारा जो करंट है वो क्या होगा कि कांस्टेंट रहे, तो हमारा करंट जो है वो डिक्रीज होगा, तभी वो कांस्टेंट होगा। तो इस तरीके से हो गया। अब क्या हो गया कि मतलब दोनों नहीं, कांस्टेंट होने के लिए दोनों हमें एक साथ, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यहां v जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है i का, तो दोनों एक तरीके से, मतलब ये इंक्रीज होगा तो हमारा ये भी इंक्रीज होगा, ये डिक्रीज होगा तो हमारा ये भी डिक्रीज होगा, तब हमारा कांस्टेंट रहेगा। तो रेशियो अब हो गया हमारे पास, रेशियो बिटवीन, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ अ कंडक्टर एंड द करेंट फ्लोइंग थ्रू इट इज अ कॉन्स्टेंट क्वांटिटी कॉल रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस का हम लोग डिफिनेशन क्या कह सकते हैं कि जो रेशियो होता है किसके बीच में, तो पोटेंशियल डिफरेंस और करेंट के बीच में, वही रेशियो हमें हर एक कंडक्टर के, अगर जो एंड के एंड का पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, उसके बाद करंट जो उस कंडक्टर से फ्लो कर रहा है, तो एक हमें कांस्टेंट आता है, उसी कांस्टेंट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो वी इज इक्वल्स टू आई आर हो गया, इसको अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। अब जो हमारा करंट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, और करंट जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस का। यानी कि अगर रेजिस्टेंस को हम इंक्रीज करेंगे, जैसे हम देख सकते हैं कि क्या है हमारा आई इज इक्वल्स टू वी बाई आर, तो अगर आई को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा वी भी इंक्रीज होगा, और
अगर आई को हम इंक्रीज कर रहे हैं तो हमारा रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होगा क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो हम कह क्या सकते हैं कि यदि किसी कंडक्टर का जितना कम रेजिस्टेंस हो उससे करंट उतना ही ज़्यादा फ्लो होगा, और अगर करंट कम फ्लो होगा यानी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तो करंट कम फ्लो होगा। तो इस तरीके से ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कौन, करंट और रेजिस्टेंस। तो यदि पोटेंशियल डिफरेंस यानी इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड ऑफ अ कंडक्टर इज डबल्ड, यानी अगर हम डबल कर दिए पोटेंशियल डिफरेंस वी को डबल कर दिए तो करंट जो फ्लो हो रहा है वो भी डबल हो जाएगा क्योंकि हमारा वी इज इक्वल्स टू आई बाई आर है, सॉरी हमारा आई इक्वल्स टू वी बाई आर है। तो यदि हमारा V को हम पोटेंशियल डिफरेंस को डबल करते हैं तो करंट भी डबल हो गया, लेकिन अगर पोटेंशियल डिफरेंस को हम हाफ करते हैं तो करंट भी हाफ होगा, और इसी तरीके से ये जो है वो इन्वर्सली, यानी ये अगर डबल हुआ तो ये हाफ हो जाएगा और ये हाफ हुआ तो ये डबल हो जाएगा। तो रेजिस्टेंस जो है वो करंट के इस तरीके से। तो हम अब क्या हम जानते हैं कि किन किन फैक्टर पे जो कंडक्टर है उसका स्ट्रेंथ डिपेंड करता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर का जो एंड है उसमें पोटेंशियल डिफरेंस क्या है उस पर सबसे पहले इलेक्ट्रिक करंट का स्ट्रेंथ डिपेंड करेगा, दूसरा रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर यानी कि कितना रेजिस्टेंस है। तो रेजिस्टेंस से तो हम लोग जान गए कि जितना कम रेजिस्टेंस उतना ही ज़्यादा स्ट्रेंथ इलेक्ट्रिक करंट का, और जितना ज़्यादा वोल्टेज यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज़्यादा उतना ही ज़्यादा करंट होगा। अब रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को हम लोग जानते हैं, तो ये होता क्या है, तो यदि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा तो वो किसके कारण होगा, तो वो इलेक्ट्रॉन अगर किसी कंडक्टर के थ्रू फ्लो हो रहा है तो हमारा हम कहेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट उससे फ्लो हो रहा है। तो जब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा एक पार्ट कंडक्टर के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे से कोलाइड करता है, टकराता है, और एटम के साथ और आयन जो प्रेजेंट रहते हैं किसी भी कंडक्टर के बॉडी में उससे वो टकराता है। तो इन कोलिजन के कारण यानी इन टकराता है किससे, तो एटम्स और आयन से, तो इन कोलिजन के कारण होता क्या है कि एक ऑब्स्ट्रक्शन होता है या फिर ऑपोजिशन होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कोई रोकता है। जब किसी चीज से टकराएगा तो उसकी स्पीड को रुक थोड़ा धीमा होगा, तो वो जो अपोज करता है इलेक्ट्रॉन के फ्लो को किसी भी कंडक्टर में वही है रेजिस्टेंस। और जो प्रॉपर्टी है किसी भी कंडक्टर का जिसके कारण वो अपोज करता है करंट के फ्लो को, उसे ही हम रेजिस्टेंस कहते हैं। तो क्या कह सकते हैं हम रेजिस्टेंस के डिफिनेशन को, द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर ड्यू टू विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। अब अगर हम इसे न्यूमेरिकली देखें तो न्यूमेरिकली ये होता क्या है, रेशियो होता है पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस टू द करंट का ये रेशियो होता है हमारा रेजिस्टेंस। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, तो किसी भी कंडक्टर के दो एंड का, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, R इज इक्वल्स टू V बाई आई। अब रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करता है किन किन चीज़ों पे, तो किसी भी कंडक्टर का रेजिस्टेंस जो है वो डिपेंड करेगा उस कंडक्टर के लेंथ पे, उसके थिकनेस पे, मतलब कितना मोटा है कितना पतला है, किस मटेरियल का वो कंडक्टर बना हुआ है, उसके बाद उस कंडक्टर का कितना टेम्परेचर है, इन सारी चीज़ों पे रेजिस्टेंस हमारा डिपेंड करेगा। अब अगर लॉन्ग वायर होगा तो उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, मतलब ज़्यादा दूर तक करंट को जाना पड़ेगा ज़्यादा दूर एरिया से, तो उसका जो रेजिस्टेंस हो गया वो ज़्यादा हो गया। उसके बाद अगर शॉर्ट वायर है तो कम रेजिस्टेंस, और अगर थिक वायर है तो लेस रेजिस्टेंस, यानी मोटा वायर में जो रेजिस्टेंस है वो कम होगा लेकिन पतले वायर में ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। उसके बाद अगर हम टेम्परेचर को बढ़ा देते हैं किसी भी वायर का या फिर किसी भी कंडक्टर का, तो उसका रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है। तो यहां हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो किन किन चीजों पे डिपेंड करता है और कैसे, यानी कि लेंथ पे, अगर लेंथ बढ़ेगा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, उसके बाद थिकनेस बढ़ेगा रेजिस्टेंस घटेगा, और टेम्परेचर बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। तो अब हम जानते हैं कि रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, तो ऐसा यूनिट इसका होता है ओम, और इसे इस तरीके से, मतलब ऐसे हम लोग ओम को लिखते हैं, और यूनिट हो जाएगा रेजिस्टेंस का ओम हो गया, और इसे ओम्स लॉ, इसी कारण से हम ओम्स लॉ के नाम से जानते हैं क्योंकि इसका यूनिट ही है ओम।
अब पोटेंशियल डिफरेंस को इस तरीके से वी बाई आई इज इक्वल टू आर, ये कॉन्स्टेंट हो गया। अब अगर हमें बोले कि 1 ओम जो है रेजिस्टेंस उसे किस तरीके से डिफाइन करेंगे, तो जब पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि वी हमारा 1 वोल्ट हो और करेंट 1 एम्पियर हो, यानी आई जो है वो 1 एम्पियर हो, तो रेजिस्टेंस जो होगा वो 1 ओम के बराबर होगा। तो हम क्या कह सकते हैं कि 1 ओम इज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर सच दैट व्हेन अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट इज अप्लाइड टू इट्स एंड अ करेंट ऑफ 1 एम्पियर फ्लोज थ्रू इट। यानी कि 1 ओम रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का तब होगा जब किसी भी कंडक्टर के दोनों एंड का पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट हो और उससे 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे। तो ये हो गया हमारा ओम्स लॉ, और इससे रिलेटेड हमारा जो भी न्यूमेरिकल है उसको सिंपली वी बाई आई इज इक्वल्स टू आर पे बना देना है, यानी वी इज इक्वल्स टू आई आर जो हमारा फॉर्मूला होता है उस पे जो वैल्यू दिया हुआ रहेगा, मतलब 2 वैल्यू दिया हुआ रहेगा, थर्ड हमें निकालना होगा यानी रेजिस्टेंस वगैरह निकालना होगा। रेजिस्टेंस का तो यूनिट हम लोग जानते ही हैं ओम, करेंट का एम्पियर और पोटेंशियल डिफरेंस का वी। अब ग्राफ अगर हम V और I के बीच में यानी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में अगर हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, तो ये जो ग्राफ होगा वो हम करेंगे क्या कि X एक्सिस पे हम पोटेंशियल डिफरेंस को ले लेते हैं V को और Y एक्सिस पे करंट को, तो जो ग्राफ बताएगा यानी कि V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, V जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I के, तो ये ग्राफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखाता है, इस तरीके के का स्ट्रेट लाइन होगा और जो V बाई आई जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इस तरीके से यहां जो न्यूमेरिकल है इसमें हर एक वैल्यू दिया हुआ है I और V का, ग्राफ पेपर पे प्लॉट करके इसे बना लेना है। अब एक्सपेरिमेंट किस तरीके से वेरीफाई होगा ओम्स लॉ, तो ये एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो यदि हमें शो करना है किसी भी कंडक्टर का या फिर कोई पीस रेजिस्टेंस वायर है उसमें, तो जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, एक नाइक्रोम वायर है यानी उसका रेजिस्टेंस हाई होता है, तो ये क्या होगा रेजिस्टेंस, तो रेजिस्टेंस हो जाएगा रेशियो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय करंट का, और ये कांस्टेंट होता है। तो यदि ओम्स लॉ को वेरीफाई करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हम एक इस तरीके से क्या किए कि हमने एक सर्किट ड्रॉ कर लिया। इस सर्किट में हमारे पास क्या है कि इस सर्किट में हमारे पास एमीटर है, एमीटर हो गया, उसके बाद कनेक्टिंग वायर्स हो गए, वोल्ट मीटर हो गया, यहाँ कंडक्टर है यानी कि रेजिस्टेंस वायर जो नाइक्रोम हम कहते हैं, उसके बाद यहाँ रियोस्टेट है यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो चेंज होता है, इसका वैरी करता है, उसके बाद स्विच हो गया और बैटरी हो गया यानी कनेक्शन मतलब कम्बिनेशन ऑफ सेल है तो बैटरी हो गया। तो ये सब चीज़ हम ले लिए। अब इन सब का यूज करके हमें एक्सपेरिमेंट करना है, तो एक्सपेरिमेंट में करेंगे क्या कि सबसे पहले हम स्विच को जब प्रेस करते हैं तो करंट जो है वो पूरे सर्किट में फ्लो होना शुरू हो जाता है, और खास करके ये जो रेजिस्टेंस है यानी नाइक्रोम वायर का लिए उसमें से भी जाता है। अब करंट जो शो हो रहा है एमीटर में शो हो रहा है, अब रियोस्टेट को है सबसे पहले हम स्मॉल करंट पास कराते हैं यानी कि इसको सबसे पीछे हम रखेंगे, तो छोटा थोड़ा करंट जाएगा क्योंकि रेजिस्टेंस हाई होगा। अब एमीटर का रीडिंग हम नोट करेंगे, अब इस रीडिंग को फ्लो हो रहा है किससे, तो कंडक्टर हमारा आर से। अब वोल्ट मीटर जो है उसमें से भी हम पोटेंशियल डिफरेंस को नोट करेंगे कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या दिखा रहा है। अब फिर से हम क्या करेंगे कि करंट को अब हम इंक्रीज करेंगे धीरे धीरे, यानी कि रियो स्टेट का जो ऊपर से जॉकी जो दिख रहा है उसको हम नज़दीक ले जाएंगे वायर के, तो ये मतलब इधर इस साइड अगर ले जाएंगे तो हमारा जो करंट है वो बढ़ेगा। तो इस तरीके से हम रियो स्टेट को इधर ले जाते हैं तो करंट वो जो है इंक्रीज होते जाएगा। अब करंट का वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू भी हम नोट करेंगे, तो देखेंगे कि वो भी क्या होगा कि इंक्रीज करेगा। तो यहाँ से हमें ओम्स लॉ शो करता है कि करंट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोटेंशियल डिफरेंस के। अब गुड कंडक्टर या फिर रेजिस्टर या इंसुलेटर ये क्या होते हैं, तो इन्हें हम जानते हैं। तो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बेसिस पे हर एक सब्सटेंस को हम लोग डिवाइड करते हैं 3 ग्रुप में। सबसे फर्स्ट जो ग्रुप है वो गुड कंडक्टर का होगा, सेकेंड जो है वो रजिस्टर होगा, और थर्ड जो है वो इंसुलेटर होगा। तो वैसे सब्सटेंस जिनका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है उन्हें हम गुड कंडक्टर कहते हैं, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को कम रोकता
करता है, मतलब ज्यादा इलेक्ट्रॉन को वो पास होने देता है, आयंस और जो एटम्स है उनमें कम इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, तो उन्हें हम गुड कंडक्टर कहेंगे। तो गुड कंडक्टर और कैसे होता है कि वो इलेक्ट्रिसिटी को आसानी से अपने थ्रू पास करने दे। तो सबसे अच्छा या फिर बेस्ट कंडक्टर जो हम कहते हैं वो हमारा है सिल्वर। तो सिल्वर जो है वो बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। अब कॉपर और एल्यूमिनियम मेटल जो है वो भी गुड कंडक्टर है, और इलेक्ट्रिक वायर इसी कारण से कॉपर या एल्यूमिनियम से बनाया जाता है क्योंकि इनका लो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होता है, यानी कम ये रोकते हैं। अब वैसे सब्सटेंस जो कि कंपैरेटिवली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस जिनका होता है उन्हें हम रेजिस्टर कहते हैं, यानी कि वो करते क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के फ्लो को वो रोकते हैं, यानी नहीं जाने देते हैं आगे इलेक्ट्रॉन को। तो वो होते कौन हैं, तो वो एलॉय होते हैं वैसे सब्सटेंस, जैसे कि नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, कॉन्स्टेंटेन हो गया, या फिर कॉन्स्टेंटेन का ही नाम यूरेका है। ये सभी हाई रेजिस्टेंस के होते हैं, इसी कारण इन्हें हम रेजिस्टर्स के नाम से जानते हैं। रेजिस्टर्स का यूज हम लोग इलेक्ट्रिकल डिवाइसेज में करते हैं जो कि जहां हाई रेजिस्टेंस की जरूरत होती है। रेजिस्टेंस करता क्या है रेजिस्टर, कि ये करंट के फ्लो को मतलब किसी भी सर्किट में ये कम कर देता है। तो वैसे अब हम इंसुलेटर के बारे में जानते हैं, यानी कि ये क्या किया, कम कर दिया इलेक्ट्रॉन के फ्लो को, या फिर करंट के फ्लो को हम सिंपली कह सकते हैं। अब वैसे सब्सटेंस जो कि इनफाइनाइटली हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस हो, यानी इतना ज़्यादा रेजिस्टेंस कि जो करंट अगर उससे फ्लो करे तो उस रेजिस्टेंस को वो ब्रेक करके आगे बढ़ ही नहीं सके, यानी इलेक्ट्रॉन का फ्लो बिल्कुल ना हो, तो वैसे हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस वाले सब्सटेंस को हम लोग इंसुलेटर कहते हैं। अब इंसुलेटर करता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी को अपने से पास होने नहीं देता है, तो रबर जो है वो बहुत अच्छा इंसुलेटर है, यानी एक्सलेंट इंसुलेटर। इसी कारण से इलेक्ट्रिशियन को आपने देखा होगा कि वो रबर का हैंड ग्लोव्स पहनते हैं जब इलेक्ट्रिसिटी पे वो काम करते हैं, क्योंकि रबर जो है वो एक इंसुलेटर है और वो उन्हें प्रोटेक्ट करता है इलेक्ट्रिक शॉक से। वुड जो है वुड भी एक अच्छा इंसुलेटर है। और तो ये हो गया हमारा इंसुलेटर, कंडक्टर और रेजिस्टर्स। तो अब इससे रिलेटेड कुछ वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं जिन्हें आपको कर लेना है। अब आगे हम लोग देखेंगे कुछ फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, यानी कि कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर का लेंथ। सेकेंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर, यानी कि हम थिकनेस कह सकते हैं कंडक्टर का, जैसा हम लोगों ने इससे पहले भी थोड़ा देखा था, यानी लेंथ के बारे में, थिकनेस के बारे में। उसके बाद नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कंडक्टर किस मटेरियल से बना हुआ है। उसके बाद टेम्परेचर ऑफ कंडक्टर। तो इन सब पे हमारा जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो डिपेंड करता है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखते हैं कि इफेक्ट ऑफ लेंथ ऑफ कंडक्टर, यानी कि कंडक्टर के लेंथ से क्या इफेक्ट होता है हमारे रेजिस्टेंस को। तो ये एक्सपेरिमेंट से फाइंड किया गया है कि यदि लेंथ हम किसी भी वायर का बढ़ा देते हैं तो साथ साथ रेजिस्टेंस भी बढ़ जाता है, यानी कि करेंट जो है वो ज़्यादा दूर तक, सीधे लेंथ बढ़ा तो करंट को ज़्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा, तो ज़्यादा लेंथ कवर करना पड़ेगा, इस कारण से वो रेजिस्टेंस जो है वो क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। और अगर हम क्या करते हैं कि वायर के लेंथ को अगर डिक्रीज कर देते हैं तो रेजिस्टेंस भी कम हो जाएगा। तो एक्चुअली होता क्या है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके लेंथ के, यानी लेंथ बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेंथ घटेगा तो रेजिस्टेंस घटेगा। तो इस कारण हम लिख क्या सकते हैं कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द कंडक्टर। तो यहाँ एल जो है वो लेंथ ऑफ कंडक्टर है और आर जो है वो रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर है। तो ये हो गया। अब चूंकि जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, इसी कारण से जब भी हम क्या करेंगे कि लेंथ किसी वायर का अगर डबल करते हैं तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, और यदि लेंथ को हम हाफ करते हैं तो इसका रेजिस्टेंस भी हाफ हो जाएगा। तो अब आगे हम लोग देखते हैं क्या कि अगर कोई लंबा वायर है, लॉन्ग वायर या फिर लॉन्ग कंडक्टर, तो ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, शॉर्ट वायर का कम रेजिस्टेंस होगा। अब सेकंड जो है जो इफेक्ट करता है हमारे रेजिस्टेंस को, यानी किसी भी कंडक्टर के रेजिस्टेंस को जो इफेक्ट करता है वो है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, यानी उस कंडक्टर का एरिया, या फिर जिसे हम थिकनेस कह सकते हैं। तो जो रेजिस्टेंस होता है किसी भी कंडक्टर का वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के, यानी आर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू वन बाई
ए, इससे पहले हम लोगों ने देखा आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एल, लेंथ के, तो एरिया से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहां हम क्या कह सकते हैं कि यदि हम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसी वायर का डबल कर देते हैं तो उसका रेजिस्टेंस जो है वो हाफ हो जाएगा, और अगर एरिया को हम हाफ करेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा यानी दुगना हो जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे कि जो थिक वायर है उसका कम रेजिस्टेंस होता है जबकि जो थिन वायर है उसका ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। तो हम लोगों ने अभी तक दो देख लिया, यानी लेंथ पे कैसे डिपेंड है, उसके बाद एरिया किसी भी कंडक्टर का है उस पे कैसे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस। अब थर्ड हम लोग देखते हैं क्या कि इफेक्ट ऑफ नेचर ऑफ मटेरियल ऑफ द कंडक्टर, यानी कि वो कंडक्टर जो है वो किस मटेरियल से बना हुआ है। तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का या फिर सिंपली हम वायर कह सकते हैं वो डिपेंड करता है मटेरियल के नेचर पे, यानी कि वो किस चीज़ से बना होता है। तो कुछ जो मटेरियल है उसका लो रेजिस्टेंस होता है पहले से ही, जबकि कुछ जो है उनके हाई रेजिस्टेंस होते हैं। जैसे यदि हम दो एक तरीके का तार ले लिए, वायर ले लिए, जिनका कि इक्वल लेंथ है, इक्वल डायमीटर है, जैसे कि कॉपर मेटल का ले लिए या फिर हम नाइक्रोम एलॉय ले लिए, और हम जब देखेंगे तो रेजिस्टेंस जो है वो नाइक्रोम वायर का वो 16 टाइम्स मोर है, यानी ज़्यादा है कॉपर वायर से, यानी कि उसका नेचर ही है कि वो ज़्यादा रेजिस्टेंस वाला होगा, उसके लेंथ से और एरिया से ज़्यादा फर्क नहीं होगा, वो पहले से ही हाई रेजिस्टेंस का है नाइक्रोम, 60 टाइम्स मोर है कॉपर से, इसी कारण से उसे हम वायर नहीं बनाते हैं नाइक्रोम का। तो ये क्या शो करता है कि रेजिस्टेंस किसी भी कंडक्टर का उस मटेरियल पे भी डिपेंड करता है जिससे कि वो कंडक्टर बना हुआ हो। अब जो लास्ट हमारा पॉइंट है जिस पे डिपेंड करता है रेजिस्टेंस, वो है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो ऐसा पाया गया है कि रेजिस्टेंस जो होता है सभी प्योर मेटल का वो इंक्रीज करता है जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं, यानी टेम्परेचर को जब हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी हीट अगर कोई हो जाएगा, कोई भी सब्सटेंस जो है, अगर हमारा वायर है वो अगर हीट हो गया, गर्म हो गया, तो समझिए कि रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है, इस कारण ही वो गर्म हो रहा है। और अगर टेम्परेचर कम होगा तो उससे ज्यादा करंट पास होगा, यानी उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो रेजिस्टेंस है किसी भी कंडक्टर का वो लेंथ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब कैसे डिपेंड करता है, उसके बाद वो एरिया पे यानी कि थिकनेस पे किस तरीके से डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे कैसे डिपेंड करता है, और टेम्परेचर पे वो कैसे डिपेंड करता है। अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो रेसिस्टिविटी है, रेसिस्टिविटी को हम लोग जानते हैं। तो यही जो चारों हम लोगों ने देखा, मतलब जो इफेक्ट किसी भी कंडक्टर पे, उसी को हम लोग कंबाइन करके और रेसिस्टिविटी का फॉर्मूला हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ जो रेजिस्टेंस है वो किसी भी कंडक्टर का क्या हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हुआ इसके लेंथ का, उसके बाद इनवर्सली प्रोपोर्शनल हुआ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का। तो यहाँ अगर हम कंबाइन कर दिए दोनों को, यानी कि आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हमारा हो जाएगा एल बाई ए। अब इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा करके हमें इक्वल लाना है, तो एक हमारे पास कॉन्स्टेंट होता है जिस का नाम है रो, इस तरीके से लिखते हैं P जैसा, ये रो होता है, और ये क्या हो जाएगा कि R इज इक्वल्स टू रो L बाई A। ये हो गया जब हम हटाएं, यानी कि एक कांस्टेंट लाएं रो। अब रो जो है वो कांस्टेंट है जिसका नाम है रेसिस्टिविटी, और ये बताता है किसी भी, मतलब रेसिस्टिविटी होता है किसी भी कंडक्टर का या किस मटेरियल से वो बना होता है। रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से भी जानते हैं। अब ये क्लियर हो गया कि ये जो हमारा गिवन कंडक्टर है उसका स्पेसिफाइड लेंथ होगा, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए होगा, रेजिस्टेंस आर होगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा इसके रेसिस्टिविटी का भी, यानी ये सब अगर फिक्स्ड है तो। तो इस तरीके से यदि हम चेंज करेंगे मटेरियल को, यानी कि कंडक्टर के जो मटेरियल है अगर हम उसे चेंज करते हैं, यानी रेसिस्टिविटी को अगर हम दुगना कर देते हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो भी दुगना हो जाएगा। क्योंकि यहाँ हम लोगों ने देखा क्या कि है क्या कि R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, R इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए, अगर इसे हम फिक्स्ड रखते हैं, यानी लेंथ फिक्स रखते हैं, एरिया फिक्स्ड रखते हैं, तो रेसिस्टिविटी यानी कि कोई अगर कंडक्टर है वो उसका अगर नेचर चेंज हो रहा है, रेसिस्टिविटी चेंज, तो उसी तरीके से रेजिस्टेंस भी चेंज होगा, और इस रेसिस्टिविटी को हम लोग स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के नाम से तो जानते ही हैं। तो यहाँ से हमारा क्या हुआ, अगर रो को हम एक साइड रखते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो हमारा क्या आ गया कि रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए डिवाइडेड बाई एल।
ये हमारा फार्मूला हो गया अगर रेसिस्टिविटी निकालना है किसी भी अगर क्वेश्चन में, तो इस तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। रेसिस्टिविटी को रो से शो करते हैं, और जब हमारा एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो और जो लेंथ है वो 1 मीटर हो, तो होता क्या है कि रेसिस्टिविटी जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर हो जाता है। तो रेसिस्टिविटी किसी भी सब्सटेंस का न्यूमेरिकली इक्वल होगा रेजिस्टेंस के, यानी कि जिस रड का जो रेजिस्टेंस निकालना है या फिर जिस कंडक्टर का उसके इक्वल तब होगा, यानी कि वो सब्सटेंस 1 मीटर लॉन्ग हो और उसका एरिया जो है वो 1 स्क्वायर मीटर हो, या फिर 1 मीटर स्क्वायर हम जो कहते हैं। तो अब रेसिस्टेंस जो है उसका यूनिट हो गया ओम, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मीटर स्क्वायर और लेंथ का मीटर, तो इसका रेसिस्टिविटी का क्या हो जाएगा? तो रेसिस्टिविटी का हो गया हमारा, ये हो गया ओम रेसिस्टेंस का, उसके बाद मीटर स्क्वायर हो गया एरिया का, और मीटर हो गया हमारा लेंथ का। तो ये यहाँ से कैंसिल, यानी ओम मीटर, ओम मीटर, इसको इस तरीके से ओम मीटर हम रेसिस्टिविटी का यूनिट लिखते हैं। तो SI यूनिट जो है ओम मीटर हो गया, और इसे हम लोग महू भी कहते हैं। तो रेसिस्टिविटी एक किसी भी सब्सटेंस का डिपेंड नहीं करता है उसके लेंथ या फिर थिकनेस पे, ये डिपेंड करता है किस पे? तो केवल नेचर पे, यानी कि जो सब्सटेंस है वो किस चीज़ से बना हुआ है, बस उसके नेचर पे डिपेंड करता है। तो किसी भी सब्सटेंस का जो रेसिस्टिविटी है वो उसका कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, यानी कि पहले से ही वो सब्सटेंस कैसा है, किस चीज़ से बना हुआ है, उसी पे उसका रेसिस्टिविटी डिपेंड करेगा, ना कि उस सब्सटेंस के लेंथ पे और उसके थिकनेस पे। तो यानी कि अगर हम कंपेयर कर रहे हैं दो सब्सटेंस का, तो यहाँ हम लोग सब्सटेंस को ही देख करके मतलब बता सकते हैं कि उसका रेसिस्टिविटी जो है वो क्या होगा। और रेसिस्टिविटी का मतलब होता क्या है? इलेक्ट्रिकल रेसिस्टिविटी, यानी इलेक्ट्रिसिटी को वो कितना रोकता है। तो अगर रेसिस्टिविटी हम देखें तो नेक्स्ट पेज में यहाँ पे ग्राफ दिया हुआ है हर एक का, तो रेसिस्टिविटी कितना होता है। तो सबसे कम रेसिस्टिविटी यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि सिल्वर का है, वो 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। उसके बाद यहाँ हो गया हमारा कॉपर, उसके बाद एल्यूमिनियम, टंगस्टन, निकल, आयरन, क्रोमियम, उसके बाद मर्करी, मैंगनीज, तो ये सब जो मेटल्स हैं उनका रेसिस्टिविटी जो होता है वो कम होता है। और वही अगर हम एलॉय की बात करें तो एलॉय का रेसिस्टिविटी थोड़ा ज़्यादा होता है मेटल के कंपैरिजन में। और अगर सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ तो रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और अगर इंसुलेटर में तो कहना ही नहीं, मतलब इतना ज़्यादा रेसिस्टिविटी कि वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो होने ही नहीं देता। तो ये टेबल से हमें अब पता चल गया कि रेसिस्टिविटी कॉपर का जो होता है वो 1.69 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। इस कारण से जो कॉपर मेटल है वो अगर 1 मीटर लॉन्ग और 1 स्क्वायर मीटर इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा, तो रेसिस्टिविटी यानी कि रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा उस सब्सटेंस का? तो रेजिस्टेंस हो जाएगा यानी कॉपर का 1.69 × 10⁻⁸ ओम, अगर लेंथ 1 मीटर हो कॉपर वायर का और एरिया जो है वो 1 मीटर स्क्वायर हो। तो अब सिल्वर जो है वो वेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, क्योंकि उसका जो रेसिस्टिविटी होता है वो 1.60 × 10⁻⁸ ओम मीटर होता है। हम लोग कॉपर और एल्युमिनियम वायर का यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन के लिए, क्योंकि कॉपर और एल्युमिनियम वायर का बहुत कम रेजिस्टिविटी होता है, और एल्युमिनियम जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। उसके बाद सबसे ज़्यादा सिल्वर हो गया, उसके बाद कॉपर एंड देन एल्युमिनियम। तो रेसिस्टिविटी एलॉय का जो होता है वो ज़्यादा होता है प्योर मेटल के कंपैरिजन में। उसके बाद अगर हम देखें इंसुलेटर का तो वो तो बहुत ज़्यादा। अब हीटिंग एलिमेंट जो होता है जिसे हम हीटिंग क्वाइल कहते हैं, जैसे आयरन को करते क्या है कि मतलब हम वो हीटिंग एलिमेंट के रूप में उसे यूज करते हैं। हीटिंग एक तरीके से हम बोल सकते हैं हीटिंग इंस्ट्रूमेंट है। तो इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेज जैसे कि इलेक्ट्रिकल आयरन हो गया, टोस्टर हो गया जिसमें ब्रेड टोस्ट करते हैं, ये सब एलॉय से बना होता है ना कि प्योर मेटल से। तो एलॉय से बनने का कारण क्या है? क्योंकि इसका रेसिस्टिविटी हाई होगा, तो इस कारण वो जो है वो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, वो हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। तो रेसिस्टिविटी किसी भी एलॉय का ज़्यादा होता है प्योर मेटल से, इसी कारण से हम एलॉय को यूज करते हैं। एलॉय जो है वो ऑक्सीडेशन यानी कि आसानी से बर्न होता है हाई टेम्परेचर पे जब वो रेड हॉट हो जाए। तो नाइक्रोम एलॉय जो है उसका यूज किया जाता है हीटिंग एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज, यानी किसी भी इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज में हीटिंग एलिमेंट के रूप में जो कि हीट करे उस चीज़ को। तो नाइक्रोम जो हो गया उसका बहुत ज़्यादा
रेसिस्टिविटी होता है, इसी कारण से इसका हम लोग यूज करते हैं हीटिंग एलिमेंट। अब इंसुलेटर का क्यों नहीं करते हैं, उसका तो रेसिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होता है, तो वो क्या होगा कि वो हीट होगा ही नहीं, मतलब इलेक्ट्रॉन जरा सा भी पास नहीं होगा तो वो हीट होगा ही नहीं, इस कारण से हम लोग इंसुलेटर का यूज नहीं करते हैं। अब नाइक्रोम जो है वो उसमें ऑक्सीडेशन भी नहीं होता है, यानी कि वो आसानी से हाई टेम्परेचर पर भी नहीं जलता है, नहीं तो होगा क्या कि जल्दी जल्दी हमारा जो कॉयल है आयरन का वो खराब हो जाएगा, इसी कारण से वो रेड हॉट होने के बाद भी एयर के प्रेजेंस में ना ही जलता है और ना ही टूटता है, तो इस कारण से हम नाइक्रोम वायर का यूज करते हैं। अब रेसिस्टिविटी सेमीकंडक्टर का, जैसे कि सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया, ये कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है, यानी कि अगर हम अब इसमें डिक्रीजिंग और ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, यानी अगर हम लोग डिक्रीज करें टेम्परेचर को, अगर इंक्रीज करते हैं तो क्या होता है कि इसका रेसिस्टिविटी जो है किसका, सेमीकंडक्टर का, वो घटता है, यानी कि मेटल के बिल्कुल अपोजिट। मेटल में, प्योर मेटल में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज हो जाता है, लेकिन सेमीकंडक्टर में रेजिस्टेंस जो है वो डिक्रीज होता है। तो सेमीकंडक्टर जो है उसका बहुत प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस है, क्यों, क्योंकि ये जो है वो चेंज, मतलब एक लाया कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज में, मतलब अगर टेम्परेचर के साथ अगर हम कंडक्टिंग प्रॉपर्टीज देखें उसमें बहुत ज़्यादा ये बदलाव लाया है, इस कारण इसका बहुत ज़्यादा यूज है। उसके बाद इम्प्यूरिटी और कंसंट्रेशन के केस में, मतलब उसमें कुछ इम्प्यूरिटीज रहता है सेमीकंडक्टर में, जो आगे के क्लास में अपने आप लोग हायर क्लासेज में देखेंगे, उसके बाद उसमें कंसंट्रेशन देखेंगे इम्प्यूरिटीज का, उसके बाद कितना प्योरिटीज है, कैसे सेमीकंडक्टर बनाया जाता है, तो ये फिजिक्स में आगे पढ़ना है। अब सेमीकंडक्टर का यूज हम लोग करते हैं सोलर सेल बनाने के लिए और ट्रांजिस्टर वगैरह बनाने के लिए। तो अब रेजिस्टिविटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स है, तो रेजिस्टिविटी का आप लोगों ने फॉर्मूला जाना है कि R इज इक्वल्स, रो इज इक्वल्स टू R इंटू A डिवाइडेड बाय L। तो इस फॉर्मूले पे, मतलब यहाँ पे आपको तीन क्वांटिटी दिया रहेगा गिवेन, और फोर्थ क्वांटिटी आपको कोई फाइंड करना है, तो यहाँ से आप लोग जो भी न्यूमेरिकल्स वगैरह है इस एक्सरसाइज का, मतलब अभी तक का जो टॉपिक पढ़ाया गया है उससे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ, यानी कि किस तरीके से रेजिस्टेंस को हम कंबाइन करते हैं, और भी नए नए टॉपिक्स, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।